अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जनरल रिसर्च टीवी के जनरल नॉलेज सेगमेंट में खुश आमदी हम आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस व्यूअर्स जनरल नॉलेज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आज हम यूएनओ के मेन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे नाजरीन यूएनओ के बारे में जानने के लिए ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें नाजरीन अगर आप यू एन ओ के ऑर्गन्स के बारे में मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं और इस टॉपिक को मुख्तलिफ कम्पटेटिव एग्ज़ाम्स जैसा कि सी एस एस पी एम एस पी पी एस सी एफ़ पी एस सी वग़ैरह के लिए प्रपेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा इन श्रू एन ओ और इसके आर्गन के मतलब तमाम क्वेरीज दूर हो जाएंगी नाजरीन यू एन ओ के छः प्रिंसिपल आर्गनस हैं इनमें यूनाटेड नेशनस जनरल असम्बली ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शामिल हैं ये तमाम चार्टर ऑफ यूनाटेड नेशन के तहत उन्नीस सौ पैतालीस में माज वजूद में आए यू एन जी एटेड नेशन जनरल असम्बली का एब्रीवेशन है यू एन का एक अहम अदारा है जो कि पॉलिसी मरतब करने यू एन का बजट बनाने यूनाइट नेशन सिक्योरिटी कौंसल के नॉन परमानेंट मम्बर्स मंतख करने सेक्रटरी जनरल को तैनात करने और रेजोलूशन के बनाने का काम सर अंजाम देती है यू एन जी ए वाह यू एन का ऑर्गन है जिसमें तमाम मम्बर ममालिक इक्वल रिप्रजेंटेशन हासिल है और यू एन के तमाम एक सौ तिरानवे मम्बर ममालिकू एन जी ए के भी मम्बर हैं यू एन जी ए के प्रजिडेंट का नाम तिजानी मोहम्मद बेंडे है जिनका ताल्लुक नाइजेरिया से है प्रेजिडेंट के अहदे की म्याद एक साल होती है यूएनजीए हर साल सितंबर के तीसरे मंगल को सालाना सेशन का इनका करती है जिसमें मुखलि ममालिक सरबराहान अपने मुमालिक के ममालिकोज़ और अपने ममालिक में की जाने वाली कारदगी ज़ाहिर करते हैं यू एन जी ए का पहला सेशन दस जनवरी उन्नीस सौ छियालीस को मैथडिस सेंट्रल हॉल लंदन में मनकद हुआ और इसमें अकामा रुकन ममालिक ने शिरकत की और फिर सातवें सेशन उन्नीस सौ बावन से इसका बाकायदा इनका यू एन के सदर दफ्तर में होने लगा मासवें सेशन के जो कि पैलेस ऑफ नेशंस चनीवा में जो कि स्विट्जरलैंड का दारकूमत है उसमें उन्नीस सौ अठासी में मनद हुआ इसके अलावा तमाम सेशन न्यूयॉर्क में ही मन्द होते हैं यू एन जी ए का पचहत्तरवां सेशन पंद्रह सितम्बर दो हज़ार बीस से शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी वजीर अजम इमरान खान पच्चीस सितम्बर दो हज़ार बीस को ख़ताब करेंगे मोहम्मद जफरुल्ला खान बहुत पाकिस्तानी हैं जो उन्नीस सौ इकसठ बासठ में यू एन जी ए के सदर रह चुके हैं एक सौ तिरानवे रुकन ममालिक के अलावा पैलेस्टाइन और होली सी यू एन जी ए के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं नाजरीन अब बढ़ते हैं यू एन एस सी की तरफ जो कि यूनाइटेड सिक्योरिटी कौंसिल का एब्रीशन है यू एन एस सी के मकासद में बैन अमी अमन का फ़रोग है और इस मकसद के असूल के लिए यू एन एस सी पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत दूसरे ममालिक पाबंदियों का अतलाक भी कर सकती है इसके पंद्रह मेंबर्स होते हैं जिनमें से पाँच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर्स में यू एस रशिया फ्रांस चाइना शामिल हैं और ये किसी भी तजवीज को वीटो करने का हक रखते हैं यानी इसको मुस्तरद कर सकते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स इलाकाई बुनियादों पर सेलेक्ट किए जाते हैं और इस वक्त इन ममालिक में डोमिनिकन रिपब्लिक बेल्जियम, एस्टोनिया साउथ अफ्रीका नाइजेरिया जर्मनी इंडोनेशिया टूनी सेंट विंस्टन एंड द ग्रेनाडाइंस और वियतनाम शामिल हैं यू की प्रेजिडेंसी रुकन ममालिक में महाना बुनियादों पर तब्दील होती रहती है और नॉन परमानेंट मेंबर्स की रुकनीत की मुद्दत दो साल होती है इस वक्त यू के तहत दुनिया भर में 31 पीस कीपिंग मिशन हो रहे हैं जिसमें 121 सौ से तकरीबन इक्यासी हज़ार अफराद शिरकत कर रहे हैं 17 जनवरी 1940 को वेस्टमिंस्टर लंदन के मुकाम पर यूएनएससी की पहली निशस्त हुई जुलाई 2020 तक यू में परमानेंट मेंबर्स की तरफ से दो दफा वीटो पावर का इस्तेमाल सामने आया है जिसमें रशिया 116 दफा वीटो के इस्तेमाल से सरे फरिस्त है अमेरिका ने इस पावर का इस्तेमाल इक्यासी दफा यूके ने उनतीस दफा जबकि चाइना और फ्रांस ने वीटो पावर का इस्तेमाल सोलह सोलह दफा किया है यू का सदर दफ्तर भी न्यूयॉर्क अमरीका में वाक़ है सितंबर के महीने से यू की प्रेसिडेंसी नाइजीरिया के हवाले है पाकिस्तान सात दफ़ा यू का मेंबर रह चुका है और सबसे हालिया दौर 2013 में था इसी तरह इंडिया भी सात दफा यू के मेंबर के तौर पर मंतब हो चुका है और आने वाले 2021-2022 सेशन में भी मुंतब हुआ है इसे इस तनाजर में कुल एक सौ बानवे में से एक सौ चौरासी वोट हासिल हुए नाजरीन बाकी यू एन ओ के आर्गन का जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे इसलिए मजदूर रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेटिव पसंद आई होगी हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें व्यूअर्स अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन आपके तमाम टॉपिक दिन ब दिन क्लियर होते जाएंगे अल्लाह ने चाहा और आपने मेहनत की तो आप ऑफिसर ज़रूर बनेंगे शुक्रिया